मैं तेनू कह रहा मेनू कैमरा बंद कर दे चली जा। पापा फिर भी नाराज क्यों है जे? बेगम बेगम तो रोन नहीं ते तुसी हन पहले तुसी की दा यो मेरा ते हन बेगम नहीं रोन है के पालड़ी ने तो मैं की किया मैं कुछ नहीं बेगम सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये देखो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू न्यू व्लॉग। मेरी दुआए तुम जिते भी रहो सदा हसते रहो वसते रहो शाद रहो ते आबाद रहो आमीन सुम आमीन। ते असी हुने हुने स्कूलों आई हाँ ते जे असी घर आके वेखे ते तौबा तौबा मम्मा ने किन्ने खलारे पाए हुए। मम्मा साग बना दी ते इन्ने बर्तन धोने वाले ना सुबह नाश्ते के बर्तन धुचे ना हो ना कुछ। सुबह से लेट हो गई तो नाश्ते के बर्तन तो मैं फिर कट्ठे कुट्ठे भी नहीं किए भाई कट्ठे कुट्ठे करके गया ने ते मैं तो वेख्या तो वोए वोए साग माशाला पकाया पकोया भी पिया है ते मम्मा पतीला धो तो रही है जी। हुण मम्मा जी भी भला तुसी चट राम कर लिया करो तेनू राम नहीं आता क्यों मम्मा भला तो भला टाइम है जी जे ते सामने से तुम बर्तन बर्तन धोते दस बजे तो पहले तुम वेले हो जाने फिर सो जाते चुप करके साग फिर पका लेंगे साग भी पक जाना सी के अच्छा जी ते ना आज मम्मा ने ना एडी छेती साग पका लिया। जो पापा जी घर आए पापा जी साग वेखद ही गुस्से दे विच फुल गुस्से च मतलब हाथों गुस्सा पापा जी गुस्से मम्मा ने ना असल च मम्मा कली सी मम्मा कली को साग घोटिया नहीं जाने मम्मा ने ना थोड़ा मतलब ग्राइंडर च ग्राइंड ग्रुंड करके तो कितने सखे साग पका लिया। बाद च मम्मा आटा पान लगी तो आटा कितने मुठा भर भर गया मम्मा पाई वो बच्चे गिलतियां बाजी और जो वेख्या ना पापा जी ने साग एक तो इन्ना ज्यादा मतलब पतला हो गया दूजा बच्चे आटे दियाँ गिलटियां बची हुई सही तो पापा जी तो फुल गुस्से आ गए ते पापा जी कहते तुसी मेरी मन दे ही नहीं जी। पापा जी कहते ने भी मशीन मशीन तो नहीं हाथ नाल घोट लेंदी तू मेरा इंतजार कर लेंदी जे ज्यादा सी ते हुण ना पापा जी अंदर फुल गुस्से च रमे पै हुए ने हुण ना जाके जरा वेखिए पापा की कंडीशन। पापा कहते खबरदार मैनू किसी ने बुलाया तो पापा ने साग खाने तो भी साफ इनकार करते। पापा जी पापा की मसला की होया की तुसी नाराज क्यों हो? चली जा मैनू ना बुलाओ ठीक है। अच्छा नाराज क्यों हो जे? अरे गल तो दसो नाराज क्यों हो जे? मैं तेनू कह रहा मेनू कैमरा बंद कर दे चली जा। पापा फिर भी नाराज क्यों हो जे? जो तुसी मेरी कोई मननी नहीं तो फिर मैं नाराज ही हो ना। अच्छा मैं की नहीं मननी असी ताडे मननी हुण पापा मम्मा कली सी मम्मा ने छेत छेत च काढ लिया। बेटा मैं तेरी मम्मा नु मैं फोन किया सुबह मैं क्या भी मैं घरे आना जानू तू साग सिर्फ उत्ते रख दे अग बाल दे थले बाकी सारा काम मैं कर लांगा। अच्छा भी जो मैं इनू पता है भी मेरे को नहीं घोटिया जाना मेरिया बाहवा च इन्ना असर नहीं है। अच्छा ते मेरा वेट नहीं कर सकती सी? कर सकती सी वो गल उत्थे आ गए ना जे बंदे एहसास करन तां भी भैड़े ते जे ना करन तां भी भैड़े। मैं तो इतना एहसास किया भी मेरी बुढ़ी थक ना जाए अपनी बाहवा ना थक जाए ये ना हो तो बुढ़ी साहबा ने ग्रैंडर दे विच साग पा पा के ग्रैंडर ए की ग्रैंडर या ग्रैंडर जो भी तो उहदा मलीदा बना छड्डा ओ पिलकण बनी पई जिवें ओ मेहंदी घोली हुंदी। पापा साग इदा दा हुंदा बेटा? पापा इन्ना गुस्सा करन दी की जरूरत है? फिर की होया? बेटा मैं गुस्सा इस चीज तो कहदा भी इन्ना खर्चा भी कीता आपां माड़े बंदे आ ठीक है हजार रुपये का तो समान लिया जो बाथू तो पालक तो हरिया मिर्चा तो ललडम पलडम ये वो तो कोई 500 का बालन लग गया होना तो जो मेहनत की थी वो बखरी। हाँ जी बिजली भी फिर लगी। अच्छा गुस्सा करने की तुम हो थोड़ा जहा रिलैक्स होवो तो ताज तुज पढ़ो तस्वीर तस्वीर पढ़ो जो गुस्सा आए ना कूल हो पढ़ लिया करो आउज बिलाई मनीषी तुम जिन तेरा गुस्सा दूर हो जाए मैं आउज बिला मनीषी तो पढ़ लिया तुसी ना पापा तुसी ना तुहानू ना मेरे आप दे आप आने ठीक है ना ओ पापा हो ना मम्मा ता तुसी ऐसे गल ते जे ना पुत्तर ते मैं तुहाडा एहसास करना ही नहीं फिर जो ना 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 इन्ना ही है ना मैं उत्थों होटल तो रोटी खा लिया करा वैसे भी दो दिन मैं होटल तो खाना ही है ना। पापा मैं उत्थों भज ना
किराए भाड़े ला के भी मेरी बेगम ने सोहनी हांडी पकई होनी जाके मैं बेगम के हाथों पक्या खाव बेगम न छेतियां पीया हो पिलकन बना के मेरे अगे रख दें चलो हम गलती होगी क्या बस के नाराज हो गया कोई और बंदोबस्त ते कोई इंतजाम करने फिर पापा थोड़ा ही हैप्पी मूड फिर थोड़ा जा मम्मा ने भी कर लिया भी हम मम्मा ने छेती चुका लिया तो हम फिर पापा ने भी फिर गुस्सा हो गया ते चलो हम तो पहले सिचुएशन हैंडल करने इनू बैलेंस करने उस तो बाद फिर वेखने की होंगे अगर A few moments later. चलो जी आखिरकार मेरे ते मम्मा दे ज़हन च एक बहुत ही कमाल ते जबरदस्त आइडिया है असी ना कल परसों लैसी करेले ते ओ करेले मम्मा ने कहा पापा खा लेने पर पापा जी आए ते पापा ने फरमाइश की कड़ाई छड़ाई ये वो चीज़ां ते असी क्या चलो बना लेने असी वो चीज़ा वगैरह बना लिया ते करेले जो साढ़े पै दे पैर है तो पर ना करेले जड़े ना मेरे पापा थोड़े मतलब शौक ना खाते ने तो असी सोचा क्यों ना अज करेले बना लिए हूँ वक्त तो करना ही पैना हांडी तो बनानी पैनी है मम्मा भी वाकई मम्मा इधर तो देखो मम्मा तो फारग होगी तो फिर बना करेले फिर बना के करेले अच्छा जी थोड़ा है ना मम्मा भी हूँ अपसैट हो गई कि पापा फिर गुस्से होए ना तो फिर इस वास्ते भी थोड़ा जहा मम्मा भी ध्यान हैंडल सिचुएशन मैनू करनी पैनी तो बस हूँ हैंडल हो गई कि हूँ ना जल्दी नाल जाके पापा जी को पूछने भी अज तुसी करेले खाना पसंद करोगे तो वेखने पापा जी की जवाब देंगे ने ते बाकी मम्मा ने तो बड़ा कमाल दा कि दिता भी करेले ऐ तो पापा को जाकर पता लगेगा पापा जी पापा पा तुसी करेले खाओ दे पुत्र हुण तैनूं मसला की पई है पापा मैं तुहानूं मनाना है मुझसे नहीं देखे जाते आप आप और मम्मा गुस्से में हो तो वो फिर घर की जो सी सिचुएशन है वो इधर उधर हो जाती है अच्छा तुसी दसो करेले खाओ दे करेले पकाओ करेले हुण कित्थों आए करेले पैन टेंशन करेलिया ते 1000 रुपया लगे नहीं करेले पैन है करेले आप 100 दे मंगाए मैं माड़ा बंदा मैं कड़ा उथे बैंक ते बैठा अच्छा पापा चलो करेले तो अपने प्याने पे प्याज भी पैने बस क्यों क्यों सारा कुछ घर पे आपा मिंट ला ना करेले पका लेने तुहानू जिदन एहसास हो जांदा ना बुढ़िया नु भी बंदे किवें कमाई करदे ने किन्ना जलीलो खवार हुंदे बाहर ते फिर घर सोहणे चलदे ठीक है ना अच्छा ते बंदे उथों कमा कमा के सारी दिहाड़ी बेचारे लक तड़वांदे ने हां जी ठीक है घरे आके देंदे ने बेगमा ते बेगमा ओ खज्जल खवार करके परा मार दी पापा वेखो ना मम्मा भी ते सारे पूरे महीने इंज गिन गिन के हिसाब रखदी भी कई किते 1 रुपया दा इधर उधर घाटा वादा ना हो जावे मैं कहना तेरी मम्मा नु पुत्र क्या कदी भी तू इंज कर दे मैं सिर्फ इस गल तो गुस्से होया भी कम अज कम जदों मैं स्पेशल फोन कीता ते मैनू दस्या तेरी मम्मा ने मैं अज साग बनावण लगी हां जी ते मैं ओनू कहया भी मैं आना पिया ठीक है अज मेरी छुट्टी है ते तू मेरा वेट कर ले सिर्फ अग पा ली जा थले बाकी जेड़ा प्रोसीजर है मैं तेरी हेल्प करा देवांगा ठीक है इंदे विच मैनू तू ए दस गलत मैं आ के होए गलत गलत ना मम्मा है ना तुसी हुण मैं किन्नू गलत कह सकनी तुसी भी आपदे वल्लों बिल्कुल सही किया मम्मा दा सास किया मम्मा ने भी आपदे वल्लों सही किया मम्मा ने कहा चल मैं अच्छी छेती पका लैनी हुण असीं किवें मतलब करिए पापा हुण तुसी भी आपदी जगह ते सही है मम्मा भी सही है चने तो अब आप क्या कर रहे हो पढ़ो पढ़ो फिर करो यार सुबह साइंस का पेपर चलो करो याद तो चलो जी हुण जाके ना मम्मा को पूछने भी पापा ने शर्त रख दी है तो हुण मम्मा शर्त पे पूरा उतरेगी या नहीं ऐ हुण मम्मा ने तो उतर जाना मम्मा ने कहना हुण मन जान किस तरीके नाल पापा मम्मा जी पापा ने पता की शर्त रखी करेले खान की तुसी खुद पकाओगे तो फिर पापा ने कहा मैं खाने अगे तो मैं पका लैनी
ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਹ ਮਸਾ ਮਸਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਪਾਪਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਾਓ अपने हाथों से पकाएगी करेले तो मेरे खाने चल जा चलो जी हुण मैं इदा करनी जल्दी जल्दी ना करेले शरेले बनानी है ममा करेले पड़े कहां है तो चलो जी हुण मैं करेले लिया के करेले कटनी कुटनी आ सारा प्रोसीजर करनी आ ताकि फिर भी मतलब भी ਬੀ ਮਮਾ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੀ 1 ਆਵਰ ਲੇਟਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੇਲੇ ਗਰੂਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਚੂਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੂਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਾੜੋ ਕਤਾੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ प्याज कट दो कटे ने जेडे वक्ता नाल मैं कटे ना मेनू ही पता है कोई एक अद्धी फाड़ी मैनू भी दे दो करता ना और मेरे गन्ने नु जिन्हें हाथ लाए ना वे साब ला ले आपदा दा गन्ना चूस के उठो ही थो चलो जी आखिरकार मम्मा जी मेरे कोल आके बैठ गई मैनू लगदा मम्मा जी दा गुस्सा खत्म हो गया ना हाँ जी मम्मा का गुस्सा खत्म हो गया तो मैं सोचा चलो ऐसे बहाने पापा जी का भी गुस्सा खत्म हो जाऊगा तो मैं तो रो रो के मम्मा ने बनाया असल प्याज कट्टे ने रोई रोई कोई नहीं तो यह सारे जने लगे हुए गन्ने चूसने तो बाकी जड़ा ना की नाम से हम करेले धोने ने तो नाल ए सारा जो है थैंक यू मेरा सोना भरा तो बाकी एक मिनट फट ए फड़ी ना मैं करेले धो लवा उस तो बाद आ गई तेरे को बाकी हले टमाटर वगैरह बनाने ने मम्मा वो बना लो कि मैं करेले धो लूँ है चलो जो मैं करेले शरेले धोवी मम्मा होनी टमाटर प्याज बना लवे तो फिर छेती छेती ना हांडी बनाने लगे बनिए पिछाओ चलो जी आखिरकार मम्मा एग्री हो ही गई तो अज मम्मा जी बनाएगी हंडिया तो मैं बनावगी रोटी मैं क्या हूँ मैं पापा जी ने भी आवाज दे ही लवान पापा जी आ जाओ मम्मा बना लगी जे हांडी ओना आ जान ना करे आ जाओ पकाओ तो पापा ना पकाओ मैं नहीं आ पापा जी ओ पापा जी आना चंदर से पापा जी आ गए की गल है आयो नहीं आ पापा की है आयो चलो पका भी लो मैं सुबह का नाश्ता दो नान खांदे चलो पापा जी हुण सुला भी कर लो आ ते गया ही जे ते साडी पुत्तर सुला ही सुला सिकड़े इथे तलवारां चलाईयां सी आ मैनू ता नहीं लगदा सुला जिवें तुम्हें जने बैठे ही है चलो जी बेगम बेगम तो रोण डई ते तुसी हन पहले तुसी कीता यो मैं ते हन बेगम नहीं रोण नहीं के पाल लड़ी ने मैं की किया मैं कुछ नहीं बेगम सॉरी आई एम वेरी सॉरी ये देखो बेगम अज की पकाया जहर पकाई चल तू खा के सौ जी मैं चलिया बाहर चीनी भी डाली पत्ती भी डाली डाली
ਤੇ ਡੋਲੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਫਿਰ ਡੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਤੇ ਜਵੇਂ ਕਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਪਕਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਓਏ ਅਮਾ ਕਿਨੇ ਪੜੇ ਕਰਾ ਬੇਗਮ ਸੌਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਸਿਰ ਜਵਾਤੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਚਲੋ ਬੇਗਮ ਆਪਕੇ ਗੋਡੋਂ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾ ਚਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੂਡ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਅਬੀ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੱਬੇ ਦੀ ਗੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵਾਕਈ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਖਵਾੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਮਾ ਵੇਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਫਰਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਗਾਲਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਲੀ ਹੋਇਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਏ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ आज माड़ी रेस है अच्छा तो चलो जी और मकर इसलिए कड़न लगी है चेती चेती और मेरे नाल पहले दस ले तो फिर क्या हो के आज चलो जी नहीं दे दी पहले दसवीं थी ना क्या मतलब मेरे से ओ बड़ी गल है देखो भी तानू पता नहीं गई अपनी रेस ही लगदी होनी है ये रेस ही थी आगे जब जनाब फ्राई पूरी हर चीज हो जानी कि फिर लग नहीं सिर्फ को नहीं दी नहीं वेला पुठिया ना रोटी पान लगी और मैं अंकी करा वाली होली आदत है तेरी सीधे आना पा तो चमचा इधर आ जी रेस जो चमचा चमचा कोई नहीं चलना सीधी कर सीधी कर हो जानी हो जानी चलो जी आखिरकार फिर जगह अदली बदली होगी ते क्योंकि मेनू रोटियां नहीं सही पकान आदि मम्मा कहती डाढ़िया सोनिया रोटियां पकान रही है ते मेन जरा पॉइंट सी ओ आ सी के मम्मा पापा की नाराजगी दूर करना ते उन्हां दी सुलह करवाना ते इस वास्ते असीं सारा कुछ करन दा जी ते मम्मा इस वास्ते कई हाड़ियां वगैरह बनांदे सी बस मम्मा पापा की सुलह हो गई साढ़े लिए इन्ना ही काफ़ी है अक्सर ना जो लड़ाई होवे ना तो उदो लड़ाई भी पता कदों होंगी जो तीजा बंदा बिच आया वे या इंसान गलतियां ही हो जाए कर दिता लड़ाई हो जाती तो या जो तीजा बंदा बिच ना आए जिंदे तक उन देर तक लड़ाई नहीं खत्म होंगी तो मैं बिच आई तो वेख लो मैं थोड़ी कोशिश की तो मम्मा पापा की सुलह हो गई तो पापा ने कहा भी मम्मा हाँ डिब्दा बच्चे हूँ फिर जब पापा ने मेरे हाथ गलिया सोनिया रोटियां देखिया ना पापा कहते तू जाके रोटियां ही पका ले मम्मा ने कहते आयशा तू इधर इधर ही आया तो इतनी सोहनी लगनी है मैं क्या चलो ठीक है जी फिर हुण ना असीं जल्दी जल्दी हांडी रोटी कर लीए ते अज वास्ते इन्ना ही काफी है ते मेरा लास्ट ते जिहड़ा मैसेज है भी जदों तुहाडी लड़ाई हो जावे ते तुहानूं कोई मनावे ना ते ज्यादा आकड़ ना खाया करो ते मन जिहा करो जे तुहाडी गलती होवे ते सॉरी कर लिया करो जिवें पापा ने मम्मा को सॉरी कर ली हालांकि पापा ने जदों भी पापा की कोई गलती होवे फिर पापा जी सॉरी कर लैंदे ते वापस घर आउमिंग हो जांदा ते मम्मा पापा की लड़ाई होई होवे ते फिर ते ऐ नहीं होए चुप हो जांदी घर दे विच तो चलो जी ठीक है फिर तुम वीडियो लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करना है तो एक होर काम मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है तो चलो जी ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़।